तो आज का जो वीडियो होने वाली है वो आज हमें बहुत ही मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है विच यू गाइज आस्क्ड फॉर अस कि हाउ डिड वी मेट ईच अदर. सो वी डिसाइडेड कि स्पेशल ओकेजन पे हम ये वीडियो रिलीज करें और आज वही ओकेजन है. लाइक हमें 15 मंथ्स वी हैव कंप्लीटेड टुडे ऑफ आवर वेडिंग. या सो वी थॉट कि क्यों ना आज ही हम आप सबको बताएं दैट हाउ वी मेट ईच अदर. लेट्स स्टार्ट देन. ओके सो व्हाट हैपेंड कि जैसे 16 सोमवार व्रत होते हैं, इट वाज ऑन फास्ट. तो क्या हुआ कि आई गॉट अ रिश्ता फ्रॉम आवर म्यूचुअल फैमिली मेंबर्स, राइट? यस. तो इनकी साइड से कोई था और मेरी साइड से कोई था एंड दे वर इन रिलेशन. सो बीच के बंदे थे तो दे मतलब उन्होंने हमसे पूछा, उन्होंने मेरी पिक्चर्स इनको दी और हमारे एक दूसरे की पिक्चर्स एक्सचेंज हुई और क्या करते हैं क्या नहीं. फिर वी डिसाइडेड, फिर बोथ द फैमिलीज डिसाइडेड कि एक बार ही मिल लेते हैं. तो फिर मैं सबसे पहले इनके घर गई थी, वेरोनिका घर आई थी अपनी फैमिली के साथ. लाइक वेरोनिका मॉम डैड और उनका जो वो रिलेटिव थे मासी, वेरोनिका मासी अंकल, वो सब घर पे आए थे लाइक टू सी मी. एंड वैसे इससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है. क्या था कि जब मेरे को नाम पता लगा लड़की का नाम है वेरोनिका, ठीक है, तो ऑब्वियसली फोटोज तो उस टाइम शायद शेयर नहीं हुई थी, फोटो हो चुकी थी. एक आधी फोटो आई होगी फोन पे कि हाँ दिस इज द गर्ल, ये वो. तो क्यूरोसिटी होती है ना कि यार जानने के लिए क्या कैसे, तो ऑब्वियसली बंदा सोशल मीडिया पे देखता है जाके. भाई साहब तो स्टॉक कर लिया था इस लड़के ने तो. तूने नहीं किया था? मैंने बहुत लेट किया था, पता लगा कि शी आल्सो डिड दैट. मैंने फर्स्ट मीटिंग के बाद करा था. तो क्या हुआ कि एक्चुअली क्या है, वेरोनिका नाम से तो जो नॉर्मली स्पेलिंग होगी तो वी आई नहीं वी ई सॉरी वी ई वी ई आर ओ एन आई के ए. यस. बट क्या है कि मैंने ना अपनी स्पेलिंग रखी हुई है जो मेरे डॉक्यूमेंट्स पे है, तो दैट इज वी आई आर ओ. तो By God, इस लड़के को इतनी मेहनत लगी मुझे ढूंढने में. मैंने इतना ढूंढा फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कि भाई मिल जाए, कौन है कैसे है. फिर फाइनली मैंने थक हार के ना जो जिसने मतलब मेरा वेरोनिका से बात कराई, मेरी भुआ, उनको मैंने कहा कि यार भुआ एक बार पूछना लड़की किसी सोशल मीडिया पे है या नहीं है. तो फाइनली उन्होंने पूछा कि हाँ फेसबुक वगैरह पे है वेरोनिका या नहीं. तो देन आई गॉट टू नो कि अच्छा ये स्पेलिंग डालनी है इसकी नाम की. मतलब बेचारा मुझे स्टॉक ही नहीं कर पा रहे थे. आई वाज वेरी सैड. मैंने तो स्टॉक ही फर्स्ट मीटिंग के बाद किया था. फिर हम फर्स्ट मीटिंग में मिले, उसके बाद मैं पार्टीज वार्टीज ये सब चीजें इतनी ओपन नहीं थी और मैं रात को ऐसे जाती वाती भी नहीं थी. आई वाज नॉट अलाउड, मम्मी पापा अलाउ नहीं करते थे एंड ही वाज अ नाइट पर्सन. तो आई आस्क्ड हर दिस क्वेश्चन ऑन द वेरी फर्स्ट डे दैट डू यू लाइक पार्टीज. तो शी सेड नो. मैंने कहा यार ये तो पार्टी नहीं करती है, तो अब हमारी कैसे बात बनेगी फिर. मेरे को तो थोड़ा नाइट पर्सन चाहिए जो मेरे साथ जाए, जो शी मतलब जो पार्टी लाइक करता हो मेरी तरह, थोड़ा पार्टी एनिमल ना हो बट स्टिल इतना बहुत हो कि थोड़ा बहुत पार्टी इंजॉय कर ले. बट आंसर नो था. तो उसके बाद मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वी जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग ऐसी नॉर्मली, व्हाट डू यू डू, नॉर्मल बातचीत, क्या आप करते हो क्या नहीं करते, ये सब चीजें नॉर्मल बातें हुई. एंड थोड़ी थोड़ी यार फर्स्ट डे पे थोड़ी नर्वसनेस भी होती है, है ना, तो ज्यादा बात भी. और तो और मैं सूट पहन के आई थी तो इन्हें लगा कि ये तो बहुत ही यू नो. अब ऑब्वियसली ऐसे मीटिंग्स में तो बंदा एथनिक ही पहन के जाता है ना, कोई थोड़ी स्कर्ट टॉप पहन के चला जाएगा. तो मेरे को लगा यार अब पता नहीं फिर कैसे क्या यार. एक तो एक्चुअली क्या हो गया कि मेरे को लगा यार पहली बार तो एक एकदम से ना झटका सा लगा कि यार फर्स्ट टाइम कोई देखने आ रहा है ऐसे मिलने आ रहा है. तो आपको एक ना उस समय रियलाइज ही नहीं होता दैट यू आर अबाउट टू गेट मैरिड एंड थिंग्स आर गेटिंग सीरियस कि एक्चुअली घर पे कोई आ रहा है आपको मिलने देखने. तो आई वाज वेरी नर्वस. उसके बाद मैंने बात भी ज्यादा नहीं करी ना वेरोनिका ने ज्यादा बात करी. एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट हम दोनों ही रेडी नहीं थे शादी. मैं भी नहीं करना चाहती थी, ये भी नहीं करना चाहता था. तो उसके बाद हमारी ये फर्स्ट मीटिंग हुई, पेरेंट्स मिले, ये सब हुआ. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ही सेट कि मुझे एक और बार वेरोनिका से मिलना है ना. तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे या एक दो दिन छोड़ के तो ही सेट कि वेरोनिका लेट्स मीट. तो हम लोग स्टारबक्स चलते हैं, स्टारबक्स गए थे. माय नेक्स्ट मीटिंग वाज इन स्टारबक्स. मतलब ऑब्वियसली यार लाइफ का भी डिसीजन ले रहे हो और हमारी कोई लव मैरिज नहीं है, हमारी अरेंज मैरिज है. तो ये होता ही है कि मेरे को भी था, इस वेरोनिका को भी था कि हम एटलीस्ट
एक दो मीटिंग्स में थोड़ा एक दूसरे को जाने, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में तो वैसे भी बहुत ऑफिशियल मतलब बहुत फॉर्मल सी मीटिंग, कोई ज्यादा बात नहीं होती, और सेकंड मीटिंग में हम अकेले मिले फॉर द फर्स्ट टाइम, या तो वी वेंट टू स्टारबक्स, और उस दिन मैं बहुत गंदी बन के गई थी, तो वी वेंट टू स्टारबक्स, तो मेरा ना बिल्कुल मन नहीं था मिलने का, बातें बातें करने का, बिकॉज ऑब्वियसली आई वाज नॉट रेडी। मुझे स्टारबक्स से याद आया यार, मेरे को ग्रीन टी बना के ला दो। अच्छा प्लीज अभी ला के देती हूं। चलो मैं ले आता हूं अभी ग्रीन टी बना के, मैं ले आया हूं। चेयर्स। कितने क्यूट कप है ना हमारे, हम वहां से लेके आए थे, कहां से? यूएस से, न्यूयॉर्क से लेकर आए थे, M&M से। मतलब मुझे ऐसी चीजें बड़ी पसंद आती है। Yes. So, हम कहाँ थे? Second meeting. हाँ, तो we went to Starbucks और वहाँ पर हमने बैठकर थोड़ी बहुत जनरल बातें बातें पूछी, आप क्या करते हो, क्या नहीं करते, कहाँ घूम कर आए हो, कहाँ घूम कर नहीं आए। ये भाई साहब रिसेंटली होकर आए थे यूरोप, तो इन्होंने बताया मैं यहाँ यहाँ होकर आया हूँ, और मेरे से पूछ रहे थे आप कहाँ कहाँ गए हो, तो मैंने बता दिया मैं ज़्यादा कहीं गई नहीं थी। तो उसके बाद क्या कहते हैं, हम लोग घर वापस आ गए, ही ड्रॉप्ड मी बैक होम। उसके बाद क्या था, हाँ उसके बाद ही वाज नॉट सेटिस्फाइड कि मैं हाँ बोलूँ ना बोलूँ, और मैंने तो डिसाइड ही नहीं किया था, छोड़ो मेरा तो केस ही अलग था, मैंने कहा मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कुछ, तो ही सेड आई वांट टू मीट वेरोनिका वन मोर टाइम, ये बोला था ना आपने? यस। और मैंने मम्मी को बोला था, मैं कहा मम्मी अब मैं लास्ट बार ही मिलने जा रही हूँ, उसके बाद मैं मिलने जाऊँगी, देखी जाएगी है। फिर उसके बाद ना अगली बार जब मैं मिलने गई तब मैं बहुत अच्छी बन गई थी, बहुत सुंदर। बट देखो अगर मैंने बोला तो ये वेरोनिका मेरे से थर्ड टाइम मिलने आई है, तो दैट मींस कुछ कुछ तो इसके दिल में भी हो रहा था, राइट? पता नहीं, मतलब मैं तो चली गई, मेरे को घर वाले भी थोड़ा बोल रहे थे तू जा चली जा मिलने, क्या हो गया। तो नेक्स्ट टाइम आई वेंट, मैं बहुत सुंदर एथनिक सूट वूट एकदम ड्रेसअप होके बहुत सुंदर सी होकर आई थी, तो फिर आपका क्या रिएक्शन था मेरे को देख के? तब मैंने कहा यार वाओ, आज तो कोई पहचान में नहीं आ रहा, मतलब फर्स्ट टाइम तीनों मीटिंग में पहली बार मेरे को सबसे अच्छी लगी वेरोनिका, लास्ट थर्ड मीटिंग में, बस दैट वाज आवर फाइनल मीटिंग टू डिसाइड एंड आई सेड यस। हाँ, तो क्या हुआ कि हम लोग वहाँ पे बातें बातें कर रहे थे, तो मैं निकल गई, आई वाज इन कैब एंड ही वेंट टू हिज होम। तो जैसे भी हम रास्ते में ही थे, आई वाज विद माय मॉम, तो फोन आ गया कि मुबारकें जी, मुबारकें, कंग्रेचुलेशंस, ये वो। मैंने कहा कंग्रेचुलेशंस, मैंने हाँ करी नहीं, कंग्रेचुलेशंस ऐसी हो गई है क्योंकि इन भाई साहब ने यस कर दी थी, तो मेरे पास मैसेज भी आ गया था कि वेरोनिका मैंने यस कर दी है, आर यू हैप्पी, है ना? यस। तो उसके बाद फिर उसके बाद यस आई एम हैप्पी, उसके बाद हमारा कोर्सशिप पीरियड ऑफिशियली चालू हो गया। हाँ। जो कि हमारा 6 महीने का 12th July 2019 को हमारी यस हुई थी। हाँ। और उसके बाद फिर विद इन अ डे और टू हम लोगों की एंगेजमेंट फाइनल हो गई थी, और इट वाज एग्जैक्ट 12 डेज बाद, मतलब 24 जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी थी उस दिन, एंड हमारी एंगेजमेंट थी 24 जुलाई को, राइट? यस। उसके बाद क्या हुआ कि फिर हम लोग ड्यूरिंग दैट 12 डेज हम लोगों ने बहुत मिले, कैसे मिले अब आई टेल यू, कि मैं मेहंदी लगवाने गई थी विद हिम, है ना, एंड व्हेन आई वेंट टू बाय अ ड्रेस सो ही केम देयर आल्सो, तब मिले थे हम। और एक बारी हम बीच में कब मिले थे, एक बारी हम एंगेजमेंट के लिए डांस प्रैक्टिस के लिए गए थे। हाँ, तब बताओ कुछ अपना एक्सपीरियंस। तो उस टाइम तो यार मेरे को बहुत मतलब थोड़ा मैं ईज आउट हो गया था, इतनी नर्वसनेस नहीं हो रही थी, एंड उस टाइम फर्स्ट टाइम मतलब मैंने वेरोनिका का हाथ पकड़ा हुआ। हाँ, हमने डांस और दोनों के हाथ कांप रहे थे एक दूसरे का हाथ पकड़ के। फर्स्ट टाइम मैंने वेरोनिका का हाथ पकड़ा, उसके बाद हमने डांस किया एंड वी प्रैक्टिस, तो दैट वाज आल्सो गुड डे। हाँ, तो सब प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैं बैठी हुई थी एक साइड एंड ही वाज सिटिंग द अदर साइड, तो ही वाज कंटीन्यूअसली स्टेयरिंग मी, पता नहीं क्यों क्यों और उस दिन हमने अपनी फर्स्ट पिक्चर क्लिक कराई थी इन द कार, एंड आई कीप द पिक्चर हियर, दैट वाज आवर फर्स्ट पिक्चर, नो मेकअप, नथिंग, जस्ट अ नॉर्मल पिक्चर। उसके बाद हमारी बाय द वे हमारे इंस्टाग्राम पे भी है। हां, बट एटलीस्ट हम दिखा, यू गाइस कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम इफ यू वांट टू सी आवर एंटायर जर्नी ना, तो हमने विद द पिक्चर्स एंड विद वन बाय वन दैट दिस इज आवर फर्स्ट मीटिंग, देन हमारी एंगेजमेंट हुई, एंड देन दिस, एंड देन दिस, देन दिस, ऐसे ऐसे करके हमारा
अब तक की सारी जर्नी वहाँ पर. सो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो हु ऑल आर न्यू टू आवर चैनल. उसके बाद हमारी एंगेजमेंट हो गई एंड हियर आर फ्यू क्लिप्स फ्रॉम आवर एंगेजमेंट. उसके बाद हमारा जो कोर्सशिप पीरियड था मतलब 6 महीने का था इन टोटल, इट वॉज फॉर 6 मंथ्स. एंड ड्यूरिंग दैट वेरोनिका ने काफ़ी टाइम काफ़ी बार मुझे स्पेशल फील कराया, लाइक एवरी मंथ 12th को या 24th को, 24th को, 12th को जिस दिन हमारी येस हुई थी. एवरी 12th आई यूज टू गिव हिम अ लेटर एंड अ लेटर विद अ लेटर आई यूज टू गिव हिम अ गिफ्ट. यस. And I'll show you a you know one example of this letter that I used to post a picture and with picture I used to write all my feelings for him. And मेरा पीछे लिखा हुआ देखो. खाली. कोई feeling ही नहीं थी. इन्होंने मुझे एक बार भी feel नहीं कराया special. एक बार ही बता दो जब आपने 12th को मुझे feel कराया. कराया ही नहीं शक्ल क्या देख रहे हो मेरी. गलत बात है. तो उसके बाद. वही तो क्यों उसके बाद आपने मुझे क्यों नहीं feel कराया special मेरे लिए था कि सिर्फ 12th से best special. चलें हम आगे चलें. जवाब जनता को जवाब चाहिए बताओ पहले. तो उसके बाद क्या हुआ ऐसे हमारा चलते रहे मतलब कोर्टशिप पीरियड चलता रहा. वेरोनिका केप्ट करवा चौथ फास्ट फॉर मी. आई सेड कि क्या जरूरत है मत रख. तो शी विलिंगली शी केप्ट कि नहीं नहीं. और जो लड़की हर आधे आधे घंटे में शी ईट समथिंग तो भाई उसके लिए तो ये बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज था एंड शी केप्ट इट. सो आई फेल्ट स्पेशल विद दैट. और हमारे कोर्टशिप पीरियड में हम दोनों के फर्स्ट टाइम मतलब गुड डेज भी आए थे. सो वी कीप अ पिक्चर्स आल्सो फॉर आवर गुड डेज सो दैट यू गाइस कैन सी कि हमने कैसे अपना गुड डेज सेलिब्रेट किया. एंड उसके बाद फिर तो हमारा ऑलमोस्ट शादी का टाइम ही आ गया था. तो वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड देन हुई हमारी फिर देयर वाज अ चौकी एंड देन वी हैड अ कॉकटेल एंड देन शादी. And then we went for our honeymoon. So we'll keep some clippings of our shadi also here for you guys. And let us know if you want to see a trailer or a kind of video from our shadi. So we'll post it for you guys. Yeah. So this was our story. 3 months complete हो गए हैं. So many people say कि हमारी love marriage है, आपकी arranged marriage. हमेशा हमें questions आते हैं कि आपकी arranged marriage है या love marriage है. So guys, it was purely an arranged marriage. Yes. Purely. कोई भी love का scene नहीं था. और actually अगर पूछे feelings तो थी हम दोनों के मन में, लेकिन जो कोई proper love वाली feeling थी वो शादी के बाद ही धीरे-धीरे आती है. Exactly. तो ऐसा कुछ नहीं है. देर आर मैनी पीपल जो बहुत डरते हैं अरेंज मैरिज से, बट नहीं गाइज, आई बिलीव दैट इफ यू गेट अ गुड वाइब एंड अ गुड फीलिंग फ्रॉम समवन देन गो फॉर इट. इट्स ऑल अबाउट द वाइब. आप एक दो मीटिंग में किसी को आप पहचान नहीं सकते और किसी के साथ आप अपनी लाइफ स्पेंड करने का डिसीजन ले नहीं सकते, बट स्टिल व्हेन यू गेट दैट वाइब फ्रॉम दैट पर्सन तो यू गेट टू नो दैट दैट इज शी और ही इज द राइट पर्सन. So any marriage, be it a love marriage or an arranged marriage, it requires huge efforts from both the partners. Understanding, exactly. Love, respect, care, everything guys, everything, right? So we hope आपको हमारी ये how we met वाली जर्नी पसंद आई होगी. सो ऑल्सो गाइज और कुछ आप लोगों को हमारे बारे में जानना है सो प्लीज लेट अस नो इन द कॉमेंट बिलो एंड वी वर्क ऑन दैट एंड वी कम अप विद दैट वीडियो. So guys, don't forget to like, share, and subscribe and don't forget to press that bell icon. And also who all are not following us on Instagram, we have kept the Instagram handle here. You guys can follow us there also. Thanks for watching guys. Bye guys.